धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, कुछ अराजक तत्व हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ये सत्ताओं का मानसिक दिवालियापन मैं इसे कह सकता हूं। ये वो लोग हैं जो पलायन से लड़ते हुए सत्ता में पहुंचे हैं, और किसके कारण पलायन हो रहा है? जो आप अराजक तत्व शब्द यूज कर रहे हैं वो है कट्टरवादी मुसलमान, कट्टरपंथी मुस्लिम, जिनकी योजनाएं उनके मस्जिदों और मदरसों से चलती हैं। आपने अगर आज का मेरठ का दैनिक जागरण और अमर उजाला पढ़े हो तो उसमें सबसे बड़ी समस्या जिसका आप लोगों ने जिक्र भी नहीं किया वो है जो महिलाओं के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ होती है। ऑर्गेनाइज गुंडों के गिरोह, मुस्लिम गुंडों के गिरोह खड़े होते हैं, हिंदुओं की बेटियों को छेड़ते हैं, हिंदुओं की बेटियों को परेशान करते हैं, लोग उनकी दहशत के कारण रिपोर्ट नहीं लिखवा पाते और ये पुलिस के अधिकारी रिपोर्ट लिखते नहीं है। और ये प्रहलाद नगर मेरी समझ में नहीं आया कि आज इसकी बात कैसे चर्चा में आ गई। सबसे पहले आप बैंक कॉलोनी लीजिए, हापुड़ रोड वाली बैंक कॉलोनी। बैंक कॉलोनी आपको नाम से पता चल जाएगा कि वो बैंक के कर्मचारियों ने बनाई थी, और दुर्भाग्य से एक भी कर्मचारी उसमें मुस्लिम नहीं था। धीरे धीरे बैंक कॉलोनी खाली हुई, बनियापाड़ा खाली हुआ, मालीवाड़ा खाली हुआ, लाला का बाजार खाली हुआ, सुभाष बाजार खाली हुआ। ऐसे कम से कम 60 मोहल्ले हैं मेरठ से जो हिंदू विहीन कर दिए गए, जहां लोगों को अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए भागना पड़ा। सत्ताओं का यह चरित्र है कि वो हिंदू दमन पर चुप रहती है, क्योंकि उन्हें सत्ता में बनने से पहले क्या हीरो वाजपेयी साहब ये मान लो। देखिए, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जब कैराना में यह पलायन का मुद्दा उठा था और अखिलेश यादव ने एक सरकारी संतों की टीम भेजी थी जिसमें प्रमोद कसलम थे और भी चक्रपाणी जी थे, तब हमने बताया था कि वहां समस्या क्या है, तब उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं सुबह मेरठ में ही था, प्रहलाद नगर के सारे लोग मेरे पास आए हुए थे, वहां कोई कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है, वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, केवल पुलिस मामले पर लीपापोती कर रही है। मैं धन्यवाद देता हूं सारे पत्रकारों को जिनके कारण आज लोग कम से कम इस समस्या को जाने तो सही। और मैं समस्या को तो जान गए हैं, लेकिन यति नरसिम्हानंद साहब जी, हीरो वाजपेयी साहब कह रहे हैं कि प्रशासन कार्रवाई करेगा, मुख्यमंत्री नहीं। देखिए, ये झूठ बोल रहे हैं, क्यों नहीं प्रशासन कार्रवाई करता तो ये हालत नहीं होती। जब से मोदी, देखिए, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये घटनाएं बहुत कम हुई थी, अचानक ये घटनाएं जब बढ़ी, जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम सबका विश्वास जीतेंगे, मुसलमानों के साथ छल हुआ है, तो मुसलमान गुंडों का एक कॉन्फिडेंस बढ़ा हो रही है। देखिए, ये आपने कहा पहले से घटनाएं हो रही हैं। नहीं नहीं, ये घटनाएं थम गई थी, की बात हुई तो योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये घटनाएं थम गई थी। लगभग 2 साल तक इन घटनाओं में वहां मेरठ में पलायन नहीं हो रहा था और लड़कियों को छेड़ने की वारदातें थम गई थी। अचानक ये वारदातें बढ़ी है, अचानक अभी अंकित त्यागी बजरंग दल का कार्यकर्ता है, चंसारे गांव का, जिसकी हत्या हुई है मेरठ में, बजरंग दल का कार्यकर्ता, हीरो वाजपेयी साहब से जवाब लेता हूं, और किस तरह से उसकी दुर्दांत हत्या हुई है जरा पूछिए इनसे, कैसे दुर्दांत हत्या हुई है। वाजपेयी साहब जवाब दीजिए, उसके बाद में आ रहा हूं। हमारे साथ पीएसपीएल के गौतम राणे मौजूद है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि मोदी जी ने कहा कि हम सबका विश्वास जीतेंगे, इस कारण ये घटना। लेकिन आंकड़े देखिए वाजपेयी जी, आंकड़े देखिए, सच से आंखें मत चुराइए। आज ये मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया को जिसने इस समस्या को उठा दिया, लेकिन ये समस्या उठानी चाहिए थी मेरठ के एमपी को, ये समस्या उठानी चाहिए थी मेरठ के विधायकों को। मेरठ में केवल एक सीट को छोड़कर सारे विधायक बीजेपी के हैं, मेरठ के एमपी बीजेपी के हैं, एक आध बार कोई और एमपी बना होगा। अभी राजेंद्र अग्रवाल जी लगातार दूसरी बार एमपी है, उन्होंने ये समस्या ना संसद में उठाई ना कहीं उठाई। क्यों? क्योंकि जिस तरह गिरिराज सिंह के एक ट्वीट पर पहले अमित शाह जी ने गिरिराज सिंह को डांटा, फिर मोदी जी ने गिरिराज सिंह को डांटा, उसके बाद आपका कहना है, देखिए ये सब झूठ बोल रहे हैं। आज हिंदू बहुत बड़े संकट में है और हिंदू की समस्याएं उठाई नहीं जा रही है। आज मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया को, जो मीडिया ने इतनी बड़ी समस्या को लोगों के सामने लाया। गौतम राणे जी, आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात चली गई और प्रशासन वहां पर आनाकानी कर रहा है, लापरवाही कर रहा है? मुख्यमंत्री के नॉलेज में कोई बात गई और प्रशासन आनाकानी कर रहा है, दोनों चीजों को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो निश्चित तौर पे लगता है कुछ लोग इस तरह के हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं, जिनको ये लगता है कि मदरसों में आतंकवाद का बीजारोपण होता है, आतंकवाद अंकुरित होता है। तो सबसे पहले इस सोच को खत्म करना होगा, एक रचनात्मक सोच करनी होगी। जब हिंदू धर्म की बात आती है तो उसके साथ त्याग, तपस्या, बलिदान,
और दया भाव ये सारे लेके आते हैं। जिन तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उस तरह के शब्दों से कहीं लगता ही नहीं कि ये लोग हमारे धर्मगुरु होंगे और वास्तव में इस देश में ये आप सिखाओगे कि हमारे धर्मगुरु कौन होते हैं, कैसे होते हैं? अगर मैं अपने लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर बोलता हूं तो तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे बोलना है? मैं अपने लोगों के बारे में ना बोलूं, मैं तुम्हारी तरह नेता नहीं हूं, मैं धर्मगुरु हूं, सन्यासी हूं, धर्म के अपने लोगों के लिए बोलना मेरा काम है। शब्द पे आ जाइए, शब्दों पे आ जाइए, ये शब्दों की मर्यादा है, ये लोग नहीं, शब्दों की मर्यादा आप मुझे मत सिखाइए। आप जो बोल रहे हैं मैं उससे समझ रहा हूं कि आप मैं क्या हूं, मैं हिंदू हूं कि नहीं हूं। नहीं, ये कुछ तय नहीं है कि आप हिंदू हो या नहीं, हिंदू हूं कि नहीं हूं। जिस तरह से आप भाषा बोल रहे हो वो हिंदू की भाषा नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, अत्याचार के खिलाफ खड़ा हिंदू हूं कि नहीं हूं, सच का साथ देना ये हिंदू का नैसर्गिक गुण होता है। मैं हिंदू हूं कि नहीं हूं मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचार के विरुद्ध में पांडवों का साथ दिया था, बात कर रहा हूं, वो है सनातन धर्म के स्तंभ। जो लोग अत्याचारियों से मिल जाते हैं उनका पक्ष लेते हैं उन्हें सनातन धर्म ही नहीं माना जा सकता। आप हमको रामायण महाभारत न सिखाएं। नहीं तो क्या सिखाएं? आपसे बेहतर रामायण महाभारत सिखाएं तो क्या सिखाएं? बेहतर महाभारत जानते हैं, आपसे बेहतर हमने पुराण पढ़े हैं। नहीं, पुराण आपने पढ़े होंगे लेकिन आपने उन्हें सीखा कुछ नहीं है। आपसे बेहतर आपने केवल राजनीति में झूठ बोलना सीखा है, अन्याय का साथ देना सीखा है, सत्य नहीं सीखा, सत्य का साथ देना नहीं सीखा आपने। जकी नूर जी, अगर 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 प्रशासक मैं आ रहा हूँ, अगर प्रशासन पे सवाल खड़े हो रहे हैं, मैं एक कमेंट ले लेता हूँ सर उनसे, क्योंकि मुस्लिम धर्म गुरु हैं और जब ये आरोप लगते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां पर प्रहलाद नगर जहां से हिंदू परिवार पलायन कर रहा है तो एक धर्म विशेष पर सवालिय निशान खड़े होते हैं और ये कहा जा रहा है कुछ अराजक तत्व हैं। जकी नूर जी, कैसे लेते हैं आप इसे, क्या ये आरोप सही है? आप जी, आपने जो सवाल किया है उसके ताल्लुक से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है कि इस वाकये की जांच की जाए और मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद अगर प्रशासन कुछ कह रहा है तो मैं नहीं समझता कि इतने मजबूत मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रशासन ये जुरत कर सकता है कि वो कुछ गलत करे, और अगर वो गलत कहता है गलत करता है तो कोई भी जिम्मेदार हो प्रशासन का भी दायित्व बनता है। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर या देश में कहीं भी अराजक तत्व अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई इस तरह की हरकतें करते हैं तो वो शर्मिंदा करने वाला है, उन तमाम की गहराई से जाँच की जाए और गहराई से जाँच के रिजल्ट के आने के बाद फिर बात की जाए। आप इसको ऐसे भी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन मुझे पिछली सरकार के वक्त भी एक पलायन का मुद्दा सामने आता है जो सहारनपुर के इलाके से था, जिस मामले को लेकर संसद में भी चर्चा हुई और सरकार की रिपोर्ट पर कहा गया कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं वहां पर, ये तो सिर्फ गढ़ा गया है। बिल्कुल, अगर कोई भी ऐसी बात होती है जो जांच की रिपोर्ट आने के बाद कोई बात कहता है तो वो गलत है। आज हुकूमत को ये कानून बना देना चाहिए कि इस तरह का जुर्म करने वालों को कठोर सजा दी जाए, वो कहीं भी हो किसी के साथ भी हो। लेकिन मकान बिकाऊ है, प्लाट बिकाऊ है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इससे ये मान लेना कि वहां पलायन ही है। नहीं, नहीं, या नहीं, कोई ऐसा नहीं है जकी नूर जी, मैं बताता हूँ, एक मकान पे अगर लिखा हो, दो मकान पे लिखा हो तो हम भी मान लेंगे कि भाई बेचना चाह रहे होंगे, उनको पैसे की जरूरत होगी, लेकिन सारे मकानों पर लिखा हो और जब लोग जाने लगे तो कहा जाता है कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। मैं अब आ रहा हूँ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव साहब मौजूद हैं। मृदुल जी, अगर आप ये कह रहे हैं, मृदुल जी अगर आप ये फैसला कर रहे हैं और ये कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से आज के इस डिबेट में आपकी तरफ से ये बात आनी चाहिए कि सीएम साहब इसके जांच के लिए मेहनत मत करें, इसलिए कि आपने फैसला कर दिया है। पहली बात तो ये जकी नूर जी, मैं कोई जज नहीं, बात सही होगी, लिहाजा जांच का आदेश देकर। जकी नूर जी, पहली बात तो ये सुनिए, मैं कोई जज नहीं, आपसे एक मैं जज नहीं हूँ, और दूसरी बात ये सुनिए, आपने जो खबर मेरे पास है, जो हमारे सहयोगी ने बताया, जकी नूर जी आप सुनना पड़ेगा आपको, हमारे सहयोगी ने जो हमें बताया है वो तो कम से कम हम दर्शकों को बताएं, उसकी तो हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं वहां की जनता की बाइट सुना देता हूं, कोई एक घर नहीं है उनका कहना है कि बड़े परेशान हो गए हैं। ये मैं फैसला नहीं सुना रहा, ये मैं आपको खबर बता रहा हूं। आपकी बात सही है, आपने ये
आपने मेरे बात पे ये ऑब्जेक्शन किया कि आपको शुभा नहीं होना चाहिए क्योंकि कई मकानों पे लिखा हुआ है, तो मैं ये कहता हूं कि हमारे सीएम साहब ने जो जांच के आदेश दिए हैं इसमें वो खामखा के लिए क्या मेहनत कर रहे हैं। जब नहीं 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 जकीनूर जी, मैंने उस बात पर आपको टोका, आ गई जकीनूर जी, आपने कहा कि मकान बिकाऊ है, अगर लिखा है किसी घर पे या प्लॉट बिकाऊ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पलायन हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी एक घर पे नहीं लिखा है ना दो घर पे लिखा है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर लिखा हुआ है और टेम्पो में भर के सामान भी जा रहा है, इसलिए मैंने आपको टोका था। मैं अब के विक्रम राव साहब आपके पास आ रहा हूँ और सवाल सीधा सीधा ये है कि कई मकानों पे लिखा हुआ है और टेम्पो में भर के सामान जा रहा है, इसका मतलब है कि ये पलायन ही है और जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल सही है। स्वीकार नहीं करना चाहते काम है अपराधियों का बचाव करना और ये अपराधियों का बचाव कर रहे हैं, सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करेंगे। जनाब सरस्वती जी, कहीं भी अपराध हो उसकी जांच की जाए। तो फिर आप इसे कैसे कंडम कर सकते हैं जो इतना बड़ा दर्द है आज पूरे पूरे अखबारों में छपा है, दो पेज दैनिक जागरण जैसे जिम्मेदार अखबार में छापे हैं और लोग रो रहे हैं, बेटियां अपना दर्द बता रही हैं वहां पर, आपको किसी पर भरोसा नहीं है, केवल आपको यहां टीवी पर बैठकर बोलना है और आप सबको कंडम करेंगे केवल इसलिए कि वो आपके धर्म के लोग हैं, केवल इसलिए कि वो आपके लोग हैं इसलिए आप सबको झूठा बताएंगे। पूरी दुनिया में भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां मुसलमानों के प्रति सबसे कम अविश्वास है, पूरी दुनिया में आज भी भारत का आम नागरिक मुसलमानों पर अविश्वास नहीं करता, आज भी हम उन्हें अपने से अलग नहीं मानते, लेकिन जब आपके जैसे लोग अपराधों को छिपाकर अपराधियों को मासूम बताने लगते हैं तो सच और सुबह की दीवारें खड़ी होने लगती है। आपको अपने व्यवहार को देखना पड़ेगा, ठीक है, एकदम सच को सच बोलिए, झूठ को झूठ बोलिए, बिल्कुल सच क्या है ये तय करना किसी का काम नहीं है, पहले तो ये सुनिए आप सभी, सच क्या है झूठ क्या है ये सब सामने हो जाएगा जांच के बाद, लेकिन जांच के जब मुख्यमंत्री आदेश दे रहे हैं और अधिकारियों को कानोकान खबर नहीं है, तय होगी योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान लेने के बाद जवाबदेही तय होगी और जो दोषी पाए जाएंगे इसमें कि मामला नीचे क्यों दबा रहा, इतना तूल क्यों पकड़ा, उन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई। नरसिंह मनन साहब, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा कि सबका विश्वास, उसके बाद ये घटनाएं बढ़ गई, उसके बाद ऐसा कैसा विश्वास हो, झुटला नहीं सकते कि 100 से ज्यादा हिंदुओं का कत्ल मुसलमानों ने कर दिया, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। और पहले शिकायत की सर आपने जी, कोई शिकायत की शिकायत हरे हमने हजाम तो रोज शिकायत कर रहे हैं। देखिए अभी जैसे मेरठ में अंकित त्यागी का हत्याकांड हुआ, ध्रुवराज त्यागी का दिल्ली में हत्याकांड हुआ, भरत यादव ने केवल अपनी लस्सी के पैसे मांग लिए, मथुरा में उसे पीट पीट के मार दिया, और ये सब एक धर्म के लोगों ने, मुसलमानों ने खासतौर से हिंदुओं के खिलाफ क्राइम किए, क्योंकि अचानक ही एकदम जब मोदी जी ने कहा विश्वास जीतेंगे तो एकदम इस तरह की हत्याओं की बाढ़ आई है। और देखिए जैसे अभी ये बात कर रहे हैं आप, मेरठ के राजेंद्र अग्रवाल जी सांसद हैं, पर मनन सरस्वती जी सुनिए दो मिनट, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा सबका विश्वास जीतेंगे तो घटनाएं बढ़ने लगी, जी जी जी, फिर तो वो भी सही है ना सर, विपक्ष कहता है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी बने वैसे मॉब लिंचिंग की घटनाएं होने लगी, फिर क्या उन्हें सही मान लिया लिंचिंग की? एक आप मुझे बिरदुल जी एक बात बताइए, एक चोर पकड़ा गया, वो गाड़ी बाइक चुरा रहा था, पब्लिक ने उसे पीट दिया, चार दिन बाद वो मर गया, उस पर संसद ठप हो गई, उस पर प्रधानमंत्री जी का बयान आ गया, तो ये शर्मनाक घटना है कि आज भारत का प्रधानमंत्री चोरों के लिए स्टेटमेंट देता है। नहीं इंसान तो है ना, ये फिर ये मॉब लिंचिंग नहीं है, आप देखिए मॉब लिंचिंग नहीं है, अगर कोई मेरी गाड़ी चुराने लगे, चोर इंसान नहीं है, चोर इंसान देखिए, लेकिन समाज में चोरी की इजाजत नहीं दी जा सकती, चोरी की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, चोर चोर है, और चोर समाज में आज फिर तो आप मेरठ में बलात्कारियों को छोड़ देंगे, मेरठ में बलात्कारियों के कारण मैंने तो किसी को छोड़ने का नहीं कहा, मैंने सिर्फ इंसानियत की बात कही है सर। लेकिन देखिए इंसानियत की बात आप समझिए, इंसाफ का हक तो उसका भी है ना सर, ये हमेशा दुनिया के हर देश में होता है, चोर की पिटाई हर जगह होती है, चोर की पिटाई कहां नहीं होती आप दुनिया में बताओ, चोरी क्यों की जाए, और चोरी अगर किसी ने कर ली वो मारा गया तो उसे धार्मिक रंग दिया जाए, ये कहां तक सही है? ये चोरी चाहे मैं करूं चाहे कोई करे, वाजपेयी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, कुछ कहना चाह रहे थे बीच में वो, यही मैं कह रहा हूँ कि जो लोग अराजक तत्व है उनको धार्मिक रंग नहीं दीजिए, और किसी भी धर्म के तो कौन दे रहा है धार्मिक रंग, कौन दे रहा है? जब एक चोर मारा गया और पुलिस की हिरासत में मारा गया, उस पर संसद में वो चल रही है, और जो दुकानदार बेचारे मारे जा रहे हैं अपना पैसा, मोदी जो अपनी बेटियों को छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारे जा रहे हैं, जो बेटियों से बलात्कार केवल इसलिए हो रहा है कि उनके पिता ने के कुछ पैसे दे दिए थे मुसलमानों को, उनका कहीं जिक्र नहीं हो रहा है,
तो ये ठेस पहुंचाती है ये बातें मुझे। बनाए रखिए, कटुता को मत फैलाइए। अरे कटुता नहीं, सच्चाई तो फैला दे, कम से कम सच्चाई तो बोले भाई। कटुता कटुता की बात नहीं है, अगर हम सच्चाई को नहीं बोलेंगे तो ये कोड हो जाएगा समाज का। भाषा की मर्यादा को मत लांघिए, सच्चाई बोलने से आपके मुंह पे कोई टेप क्या, नहीं लगा। क्या हमने भाषा की, क्या आपको कोई गाली दे दी, क्या कोई आपको अपशब्द बोल दिया? चीजों को कोड मत करिए कि मोदी जी ने कहा। क्यों कोड ना करूं, क्या झूठ बोलूं तुम्हारी तरह? मैं कोई नेता थोड़ी हूं, मैं सन्यासी हूं, मेरा काम सच बोलना है। तुम्हारी तरह मैं रंग नहीं बदल सकता कि आज एक बात कहूंगा कल दूसरी बात कहूंगा। मुझे सच के लिए लड़ना है और वो तुम नहीं सिखाओगे मुझे। ठीक है, कोई नहीं सिखा रहा है स्वामी जी आपको, लेकिन ये है कि आपकी बात नहीं तो नहीं तोड़ सकते। देखिए, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, आप सच या झूठ बोल रहे हैं ये कोई ना तय कर रहा है। दूसरी बात ये कि अगर आप कहेंगे कि आपकी बात ही सच है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा कि हीरो वाजपेयी जी, आपको मानना पड़ेगा स्वामी जी का कहना। नहीं, लेकिन मृदुल जी मैं एक बात कह रहा हूँ, जब मैं एक बात पूरे प्रमाण के साथ कह रहा हूँ तो ये कहना की भाषा की मर्यादा, मैंने किसी को गाली दी है क्या? अगर प्रमाण के साथ कह रहे हैं, प्रमाण के साथ कह रहे हैं गौतम राणे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब स्वामी जी प्रमाण के साथ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं, फिर हम कैसे कह दें कि ये धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है? ये तो यूं ही अफवाह उड़ाई जा रही है, फिर कैसे कह दें? मृदुल जी, वो अगर प्रमाण के साथ कह रहे हैं, प्रमाण मुख्यमंत्री जी को उन्होंने दे दिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरह से असफल मुख्यमंत्री हैं। फिर तो उनको ये मांग करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़ देना चाहिए हीरो वाजपेयी, फिर तो उनको सीधे सीधे मांग करना चाहिए कि आप असफल मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। तो ये मेरी मेरी पूरी बात, एक बात राणे जी मुझे ये भी बता दीजिए, लेकिन आपके अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और उस समय आपके शिवपाल यादव जी भी मंत्री थे जब कैराना कांड हुआ था। राजनीति ने उन बेचारे भूखे नंगे लोगों की बात को एकदम नकार दिया था, बहुत सारे टीवी चैनल वहां पहुंचे थे, उनकी पीड़ा को दिखाया था, राजनीति ने एकदम नकार दिया था उस समय। क्या हम लोग केवल यही काम करते रहे? जब हम अपनी पीड़ा कहेंगे तो आप राजनीति में हमारी पीड़ा को घुमा देंगे, मैं अच्छी तरह जानता हूं, ये नेताओं का चरित्र है। लेकिन आप इंसान हमें भी समझें, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने हिंदू का जन्म ले लिया तो मैं कोई जानवर हो गया। गिरा हुआ अगर हमारा चरित्र ये है, अगर हमारा चरित्र ये है और ये चरित्र आपको बुरा लगता है, इसलिए हम मृदुल जी साफ साफ ये कहना चाहेंगे कि देखा जाए ईमानदारी से, मुख्यमंत्री जी को कोई अलग टीम भेज देनी चाहिए, जांच कराया जाना चाहिए, कोई शरारती लोग तो नहीं है जिनकी दुकान बंद हो रही है, दुकान नहीं चल पा रही है, अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरह का र्यूमर फैला रहे हैं, वो जांच करा रहे हैं। इस तरह का र्यूमर फैला सरस्वती जी बैठ के यहाँ पर एरिया का नाम बता रहे हैं, कॉलोनी का नाम बता रहे हैं, आप कह रहे हैं अफवाह उड़ा रहे हैं लोग, ये कैसे पॉसिबल है? दोनों घट, या तो आप सही हैं या फिर यतीन नरसिम्हानंद जी। इस बीच मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, ना मेरी बात पे विश्वास करें ना किसी और की बात पे विश्वास करें। मेरठ की कम से कम जनता क्या कह रही है? गौतम जी आपको कंप्लीट करें। गौतम जी मैं चाहता हूं कि आप एक बार सुनिए मेरठ की जनता की बात, आप सुनिए जो लोग पलायन कर रहे हैं क्या दर्द है उनका, एक बार सुनवाते हैं वो। शाम को यहाँ अराजक तत्वों के द्वारा हूटिंग करना, चैन छिनेती, कई बार यहाँ स्टंटबाजी होती है, किसी के चोट लग जाती है और वह लोग और लोगों को इकट्ठा करके आना, फायरिंग करना। यहाँ तीन बार पीछे फायरिंग हो चुकी ओपन में, हमने एसओडी साड़ीगेट को भी दिया लिख कर, वीडियो भी दी उनको, पर कोई कार्रवाई यहाँ नहीं हो रही। बहुत ज्यादा परेशान है, बच्चों को लेकर चिंतित है, इससे बढ़िया हम यहाँ से छोड़ जाए। फायरिंग हो जा रही है गौतम राणे जी, अब ये फायरिंग की तो अफवाह कम से कम मैंने नहीं उड़ाई। मृदुल जी आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं, जो व्यक्ति पीड़ित होता है, जो व्यक्ति द्रवित होता है, जो यातनाएं सहता रहता है, इस तरह के मनोरंजन के रूप में कोई बात नहीं कहता है। और ये काम तो आपको लग रहा है कि वहां पर जो मैंने आपको बाइट सुनाई वो मनोरंजन के लिए लोगों ने कही है? सरकार है क्या मनोरंजन के लिए लोगों ने कही है वो बाइट? आप देख लीजिए क्या वो आपको मनोरंजन लगता है? आप देख लीजिए गौतम राणे जी चेहरे का एक मिनट सर, क्या मनोरंजन के लिए आप अपने घर पर ये लिख सकते हैं कि मकान बिकाऊ है? क्या आपने कभी मनोरंजन के लिए ये लिखा है? मृदुल जी देखिए ये राजनीति बताइए ना सर, गिरावट मनोरंजन है, आप कैसे दूसरों का दर्द मनोरंजन लगता है? ये राजनीति की गिरावट की पराकाष्ठा है कि इन्हें दूसरों का दर्द आज मनोरंजन लग रहा है, ये इसमें मनोरंजन तलाश कर रहे हैं।
ये कितनी अच्छी बात है। और जब इनकी सरकार थी तब हमने देखा था कि इन्होंने पीड़ितों के साथ क्या किया था, मुजफ्फरनगर कांड में पीड़ितों के साथ क्या हुआ था, कैराना में क्या हुआ था। आज तो ये विपक्ष में है तब मनोरंजन बता रहे हैं। भगवान ना करे कल को इनके पास कहीं से सत्ता आ जाए, ले रहा हूं आपका जवाब, कुचल देंगे। गौतम राणे जी, नहीं मृदुल जी मेरी बात पूरी नहीं हुई। इससे पहले ही जिन्होंने इंसानियत का कोई ज्ञान है न इंसानियत का, आपसे नहीं सीखना, आपसे ज्ञान नहीं लेना। आपका बौद्धिक स्तर मैं समझ गया हूँ, आपसे ज्ञान नहीं लेना मुझे। जो इतने पीड़ित लोगों को जो मनोरंजन बता सकते हैं, जो आपसे तो कुछ नहीं सीख सकता मैं, और कोई भी आपसे कुछ नहीं सीख सकता। आपके धंधे को भी हम लोग समझ नहीं, नहीं मेरे धंधे की छोड़ो, तो मेरा धंधा भीख मांगना और मांगकर खाना। मेरा धंधा है भीख मांगना, मांगकर खाना। भीख मांगने का धंधा कहीं नहीं हो तो विनम्रता रहती। नहीं विनम्रता है, जहाँ भीख मांगने जाता हूँ वहाँ विनम्रता है, लेकिन जहाँ धर्म की बात आती है मैं कर्ण और चाणक्य का अनुयायी हूँ। विनम्रता दिखा, मुझे सच बोलने के लिए मरना भी आता है। मृदुल जी हम अगर पीड़ित लोग हैं तो निश्चित तौर पे संवेदना व्यक्त करते हैं, सरकार से मांग करते हैं। अगर साजिश है तो साजिश को निर्मूल किया जाना चाहिए। अगर ये साजिश नहीं है, वास्तव में अपराध किया गया है, तो अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें मनोरंजन कहां से आ गया है? लेकिन गौतम राणे जी आप खुद साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने कौन सी साइकोलॉजी में इसे मनोरंजन बता दिया। आप मुझे कृपा कर ये समझा दीजिए मनोरंजन कैसे है। बाइट उठा करके जरा चेहरे का रंग देख लीजिए, चेहरे के रंग से आप बताएंगे कौन पीड़ित है कौन नहीं है? देख लीजिए समझ में आ जाएगा। क्या चेहरे के रंग से आप बताएंगे? किसी के बाल बड़े आप इससे बताएंगे कि मनोरंजन है कि पीड़ित है? क्या किसी के वजन से आप ये तय करेंगे कि ये पीड़ित है या मनोरंजन है? उसके मृदुल जी जो पीड़ित होता है उसके चेहरे का रंग उड़ा होता है, हाव भाव बिगड़े होते हैं। कैसी बात कर रहे हैं गौतम राणे जी, अस्त व्यस्त होता है जी। मृदुल जी गौतम राणे जी के चेहरे पे इस समय पीड़ा झलक रही है, तो क्या मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं गौतम राणे जी। चेहरे को देखकर आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि किसकी पीड़ा क्या है। मैं तो कम से कम ये डिसाइड करना भी नहीं चाह रहा हूँ कि भाई चेहरे को देखकर कौन सी साइकोलॉजी समझ रहे हैं गौतम राणे जी। चाहिए हीरो वाजपेयी आप ही बता दीजिए, लोगों के दर्द को समझिए। मतलब आप वहाँ का प्रशासन असफल है, इस तरह का निर्णय दे रहा है, तो आपकी बात सुन नहीं रहा है, आपकी बात सुन नहीं रहा है, आपकी सरकार असफल है कि चैनल पे आप बैठ गए लोगों का चेहरा पढ़ने लगे। राजनीतिक रंग नहीं देता, पीड़ित होता है। लाशों पे राजनीति करना हमारा सगल नहीं है, छल छल में और धोखा हमारा सगल नहीं है। आपका चेहरा भी आ रहा है, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इस देश को जो बुद्ध भारत बनाने की कोशिश की जा रही है उसको प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं। ये प्रबुद्ध भारत अगर ये समाजवाद है, किसी के चेहरे को पढ़ के उसकी पीड़ा को मनोरंजन बताना, तो इस समाजवाद को मैं नमन करता। देखिए यहाँ पे आज के इस डिबेट में बहुत सारी चीजें ऐसी आई है जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। नंबर एक, सख्त तरीन जुमला है ये कहना कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद 100 हिंदुओं का 100 मुसलमानों ने कत्ल किया, इसको साबित करने की जरूरत। आंकड़े हैं, इसको मनोरंजन कहना आंकड़े हैं मौलाना साहब, आंकड़े देना मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। झारखंड में जो ये कोई भी कहे, हम कहें आप कहें, हमारे मुख्यमंत्री जी ने था 4 दिन से हवालात में था कि उसकी जांच होनी चाहिए, संसद में सही बताया गया है से जांच होनी चाहिए, तो अब जांच की जाए और जांच करने के बाद हर एक को सख्त तरीन सजा दी जाए जो भी इसमें अपराधी निकले। लेकिन अगर कोई कहता है कि हमें कई महीनों पहले से ये पता था कि फुलां जगह ये हो रहा था, फुलां जगह ये हो रहा था, तो अगर वो ये खबर शासन प्रशासन तो नहीं पहुंचाता है तो वो भी अपराधी है। हमें ये मानना होगा कि इस देश मैं में समझ रहा हूं आपका इशारा, किधर उनसे जवाब दूंगा, समझ के विक्रम राव साहब के बात आए रहता है तो वो जालिम है। सरस्वती जी जब आपको पता था तो फिर क्यों नहीं किया है? तो उसको सजा देनी चाहिए। घूम फिर के बात वही आ जाएगी कि प्रशासन तो कुछ कर नहीं रहा। देखिए मेरठ में 100 से ज्यादा कंप्लेंट मेरे द्वारा लड़कियों की छेड़छाड़ के विरुद्ध अलग अलग सरकारों में की गई। मैं जहां रहता हूं डासना के बगल में मसूरी है, मसूरी में हमारा बच्चों का शमशान और हमारा शमशान कब्जा लिया गया, उस पर मस्जिद बना दी गई, हमने 30 एप्लीकेशन इसके खिलाफ दी गई।
मसूरी में थाने पर जब अखिलेश यादव की सरकार थी हमला किया गया, औरतों की महिला कांस्टेबलों की इज्जत लूटने की कोशिश की, सरकार ने जब कांस्टेबलों ने दंगाइयों को मार दिया तो उन कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया, दंगाइयों को 5-5 लाख रुपए दिए। अरे हम किसकी शिकायत कहां करने जाए, हमारी शिकायतों की फाइल देखिए, कम से कम 1300 से ज्यादा एप्लीकेशन मैंने अलग अलग जगह सरकारों को दी है। किस सरकार ने हमारी सुनवाई की, हिंदुओं की सुनने के लिए यहां बैठा हुआ कौन है, सबको मुसलमानों की बढ़ती हुई भयावह आबादी ने अपने सामने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया है। सब लोग मुसलमान वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वोट के खातिर कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। और इस पूरे प्रकरण में जो एक गंभीरता है, एक व्यक्ति योगी जी ऐसे आए जिन्होंने इस प्रदेश को संवारने की और इसे हिंदू को न्याय दिलवाने की कोशिश की, लेकिन आज प्रशासनिक अधिकारी पता नहीं किसके इशारे पर योगी जी को बदनाम करने के लिए। मैं आ रहा हूँ के विक्रम राव साहब, लेकिन हीरो वाजपेयी साहब पहले आपको जवाब देना होगा सर इसके लिए। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री तो आदेश दे रहे हैं लेकिन ये प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है सर, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं सरस्वती जी। और ये सच है? नहीं नहीं आयोग देखिए ऐसा नहीं है, थोड़ा दो साल पहले जो भी गुरुजी मैं बस आपके पास आ रहा हूँ सर, छोटा जवाब हीरो वाजपेयी साहब से लेकर आपके पास आ रहा हूँ। 15 साल में सरकारी मशीनरी जातिवादी राजनीतिक गुटों में बढ़ चुकी है, पर अगर जो भी ऐसे दोषी अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को और यहाँ के बैठे पैनल को कहना चाहता हूँ कि जो दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने इस मामले को दबाए रखा उनकी जवाबदेही निश्चित है, और योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान लेने के बाद उन पर कठोर कार्रवाई होगी, जिन्होंने इस मामले को इतना बढ़ने दिया उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो प्लॉट बिका हुआ लिखा हुआ है इसको आज हम दिखा रहे हैं, और आपके दावे के बाद भी कितनी कार्रवाई होगी ये भी दिखाएंगे। के विक्रम राव साहब मैं अब आपके पास आ रहा हूँ, बहुत सारी बातें सर अभी तक आपने सुनी होंगी, आवाज हम तक उन तक नहीं पहुंच रही है हमारी आवाज। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी से मैं एक सवाल ले लेता हूं, आपको लगता है सर कि सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रशासन ही जिम्मेदार है, या फिर वो इलाका ही कुछ ऐसा तब्दील होता जा रहा है? देखिए प्रशासन, खाली प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, प्रशासन दोषी है लेकिन दोषियों में से एक है। राजनीतिक लोगों की महत्वाकांक्षाओं ने और मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्याओं ने इस पूरे क्षेत्र को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। केवल एक मेरठ की बात पता नहीं कहां से आज आ गई है, मुजफ्फरनगर में खाला पार के आसपास के सारी जगह से पलायन हो गया, सहारनपुर में से बहुत बुरी तरह पलायन हो गया, गाजियाबाद में, मैं मसूरी डासना क्षेत्र का रहने वाला हूं, आप देखिए किस तरह से हिंदुओं को अपनी इज्जत बचाने के लिए भागना पड़ा, किस तरह से, मैं डासना का रहने वाला हूं आप पता कर लो, बच्चा शमशान कब्जा लिया, बच्चा शमशान में हिंदू गाड़ नहीं सकता अपना मुर्दा, वहां मस्जिद बना दी। तो ये सारी चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हो रही हैं और इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, प्रशासन ने और नेताओं ने उस षड्यंत्र के सामने घुटने टेक दिए हैं, ये इनकी गलती।